हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मारुति सेलेरियो एक्स। मैंने जो वेरिएंट लिया है, BXI पेट्रोल बेस मॉडल है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस गाड़ी को ख़रीदना है तो RTO इंश्योरेंस अदर चार्जेस सभी टैक्स जुड़ने के बाद इस गाड़ी का क्या एक्यूरेट काउंटर प्राइस एंड एक्सोरूम प्राइस होगा उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग इस गाड़ी को फाइनेंस में निकलना है तो EMI डिटेल्स होगा उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। अगर इस गाड़ी का जो भी स्पेसिफिकेशन होगा तो सारी बातें इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। पूरा डिटेल्स देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि सारी जानकारी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी का जो स्पेसिफिकेशन होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी का जो माइलेज होगा 21.63 किलोमीटर पर लीटर कंपनी क्लेम करता है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी का जो इंजन सीसी होगा 998 CC इस गाड़ी को इंजन देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, फ्यूल टाइप होगा पेट्रोल। फ्यूल टैंक कैपेसिटी होगा 35 लीटर्स। बूट स्पेस होगा 235 लीटर्स। तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी का जो गियर बॉक्स होगा 5 स्पीड गियर देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ट्रांसमिशन टाइप होगा मैनुअल। इनमिशन टाइप होगा BS6। तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी का जो मैक्स पावर होगा 67.05 BHP एट द रेट 6000 RPM। मैक्स ट्रॉक जनरेट करता है 90 Nm एट द रेट 3500 RPM। तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी का जो एक्सोरूम प्राइस होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी का जो एक्सोरूम प्राइस होगा 5,11,448 रुपीज़। RTO अमाउंट आपको देना पड़ेगा 30,686 रुपीज़। इंश्योरेंस चार्जेस आपको देना पड़ेगा 24,958 रुपीज़। सभी टैक्स जुड़ने के बाद इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस होगा 5,67,093 रुपीज़। मैंने इसका प्राइस आसाम करीमगंज से लिया है। अगर इस गाड़ी को कैश लेना है तो यही प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी को फाइनेंस में निकलना है तो फाइनेंस बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास बजट कम है तो फाइनेंस में निकलना है तो डाउन पेमेंट देना पड़ेगा 1,70,000। लोन अमाउंट बनता है 3,97,093 रुपीज़। अगर जिस कंपनी से फाइनेंस कर रहा है इस कंपनी को रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 11%। मैंने इसका टाइम लिया है 60 मंथ 5 ईयर्स के लिए। पर मंथली आपको EMI निकल कर रहेगा 8,633.76 रुपीज़ पर मंथ पे करना पड़ेगा। अगर इस गाड़ी को आसाम करीमगंज से लेना है तो यही प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर अदर सिटी से इस गाड़ी को लेना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं सही प्राइस बताने के लिए पूरा कोशिश करूँगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।